हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल असम बॉयडर्स। फ्रेंड्स, आज मैं और एक नया मोबाइल लेके आया आप लोगों के सामने। इसका मैं अनबॉक्सिंग कराऊंगा। ये है ओप्पो रेनो 6। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो बना था, वो था ओप्पो रेनो 6 प्रो। और ये मोबाइल अभी कुछ ही दिन पहले इसका ये लॉन्च हुआ है, ओप्पो रेनो 6 है ये। तो आज मैं इसका अनबॉक्सिंग करूँगा और आप लोग प्लीज़ इसको वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और अगर मेरे चैनल पर आप लोग पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, करते हैं इसका अनबॉक्सिंग और देखते हैं इसमें क्या क्या फीचर्स है, क्या है इसके साथ मोबाइल के साथ और क्या क्या दे रखा है। तो ये तो हमारा 5G रेनो और इसके कवर पे देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। जैसे कि इधर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे देखिए 8 GB रैम प्लस 128 GB रोम है इसका। और इस तरफ देखिए इसका कलर लिखा हुआ है स्टेलर ब्लैक। और यहाँ पर लिखा हुआ है इसका कैमरे के बारे में, जो है 64+8+2 MP है। और तो यहाँ पे लिखा हुआ है इसका प्राइस 35,990 रुपीज़, लेकिन इसका ऑनलाइन प्राइस है 29,990 रुपीज़ है। और इसमें इसका बैटरी वगैरह फीचर्स लिखा है। तो इतना ही था, अभी हम देखते हैं इसका अंदर मोबाइल के साथ और क्या क्या दे रखा है। तो चलिए फ्रेंड्स, बॉक्स को खोलते हैं अभी। मोबाइल ब्लैक है और हमारा कवर भी देखिए ब्लैक है, बढ़िया। और ये ओप्पो का लोगो दे रखा है। तो देखते हैं इसका अंदर अभी, ये खुल गया, खुल गया। तो इसके ऊपर ये है इसका जन्म कुंडली। इसका अंदर पूरा इसका जन्म कुंडली है, आप लोग देख सकते हैं इस पर। जैसे कि ये देखिए, इसमें कवर भी एक दे रखा है बढ़िया सा। ये देखिए इसका एक प्लास्टिक का कवर। और ये आपका सिम कार्ड टूल है, ये सिम कार्ड टूल है इसका। और ये सब डॉक्यूमेंटेशन, ये सब वही है बस, मोबाइल का वारंटी कार्ड वगैरह है इसमें। और इसके साथ गाइड बुक वगैरह है, आप लोग देख सकते हैं कैसे इसको क्या करना है, ये सब देख सकते हैं। तो ये है कवर इसका, बढ़िया सा प्लास्टिक कवर। इसको लगा के रखना बहुत ही ज़रूरी है, सेफ्टी रहेगा मोबाइल का हमेशा। तो इस टाइप का कवर लगा के रखना है फ्रेंड्स आप लोगों को भी। और फ्रेंड्स, इसमें ओप्पो ने एक बहुत ही अच्छा ऑफर दिया है, ये है आपको सर्विस सेंटर में आप साल में 4 बार आप कवर चेंज कर सकते हैं, कम से कम 3 महीने होना चाहिए, और 4 बार आप स्क्रीन गार्ड चेंज कर सकते हैं 1 साल वारंटी के अंदर। तो फ्रेंड्स, मोबाइल को रखते हैं साइड में और देखते हैं बॉक्स के अंदर और क्या क्या दे रखा है। तो सबसे पहले ये है अपना डाटा केबल, जो कि है USB C टाइप है ये। ये देखिए USB C टाइप डाटा केबल है ये। और इसका चार्जर है इधर, ये चार्जर है, ये 65 वाट का सुपर वोक चार्जर है। और ओप्पो कंपनी क्लेम करते हैं कि 0 से 100 तक 28 मिनट में आपको फुल चार्ज कर देगा। मतलब 0 चार्ज से 100% तक, 0% से 100% तक आपको ये 28 मिनट में फुल चार्ज कर देगा। तो ये बहुत ही अच्छी बात है, आपको चार्ज के मामले में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और साथ में ये देखिए, एक फिर से एक हम लोग को इसमें मिल रहा है एयरफोन, जो कि बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इसमें सी टाइप का ये पिन है, 3.5 mm का जैक नहीं है, तो आपको ख़रीदने की भी ज़रूरत नहीं। इसमें मिल गया तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि नहीं तो आपको अलग से ये बाय करना पड़ता तो थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा और खर्चा हो जाता है इसमें। तो चलिए, ये भी हमको मिल गया साथ में। तो फ्रेंड्स, ये हमारा मोबाइल और इसमें भी कुछ लिखा हुआ है इसके कवर के ऊपर, ये जो मैं आपको कुछ बताया था, जैसे लिखा हुआ है 65 वाट का सुपर वोक चार्जर, ये सब लिखा हुआ है। तो मैं आगे भी आपको बताते जाऊंगा। तो पहले हम लोग मोबाइल देखते हैं, चलिए इसका लुक दिखाते हैं आपको पहले। ये देखिए एकदम फ्लैट डिज़ाइन है। और बैक साइड में देखिए कितना अच्छा कलर है इसका, ब्लैक जो है ना, बहुत ही शाइनिंग और अलग टाइप का है, एकदम बढ़िया। और फ्रेंड्स, ये ओप्पो का प्रीमियम फ़ोन है और दिखने में भी देखिए एकदम बहुत ही सुंदर और अच्छा फ़ोन है ये। ये देखिए बहुत ही अच्छा है, कलर जो है ना ब्लैक में और ज़्यादा अच्छा लग रहा है, और इसका जो ओप्पो का लोगो है ये ब्लैक में और ज़्यादा चमक रहा है, तो बहुत ही लुक में मतलब बहुत ही अच्छा दिख रहा है। और ऊपर की तरफ ये देखिए कैमरा है, जो रेनो 6 प्रो की तरह है, ये फर्स्ट 8 MP, फिर 64 MP, फिर 2 MP, और ये है फ्लैश लाइट। और अभी बाकी तरफ देखते हैं, और इसका ये बटन देखिए पावर ऑन ऑफ बटन है, और इसके बीच में एक बढ़िया सा ग्रीन ऐसे लाइन की जैसा हुआ है, जिसके कारण बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है और लगता है जैसे कोई लाइट लगा हुआ है उसमें।
और इसमें देखिए फ्रेंड्स, ये एक जैसे आपका आईफोन की तरह एक डिज़ाइन दे रखा है, तो बहुत ही अच्छा लुक आ रहा है इसमें। और ऊपर की तरफ देखिए, ये इसका माइक्रोफोन, नॉइस कैंसिलेशन माइक्रोफोन है ये। और नीचे की तरफ में अपना ग्रिल स्पीकर, और ये सी टाइप ये अपना चार्जिंग, और ये माइक्रोफोन, और ये साथ में सिम स्लॉट जो इसमें सिम लगा सकते हैं। और ये इस तरफ है आपका वॉल्यूम अप डाउन बटन, और ये अप डाउन बटन है इस तरफ। तो फ्रेंड्स इतना ही था, मैं एक बार आप लोगों को ये सिम स्लॉट भी निकाल के दिखा देता हूँ। इसमें दो सिम आएगा, नैनो सिम, ये देखिए। तो ये एक तरफ एक सिम लगेगा और एक तरफ एक सिम, दो सिम लगेगा नैनो सिम इसमें। और तो अभी इसको रखते हैं अंदर और बाकी मोबाइल की तरफ देखते हैं। और फ्रेंड्स ये मोबाइल मतलब हाथ में लेने में एक बहुत ही अच्छा फील होता है, मतलब बहुत ही कंफर्टेबल है, क्योंकि इसका चारों साइड एकदम फ्लैट टाइप का डिज़ाइन है, जो कि ज़्यादातर मोबाइल में थोड़ा साइड वाला राउंड टाइप होता है, और इसमें एक फ्लैट टाइप है, जिसके कारण एक बहुत ही अच्छा फील हो रहा है, जैसे कि एप्पल का फ़ोन हाथ में लेकर रखा हूँ उस टाइप का फील होता है। तो चलिए फ्रेंड्स, इसको ऑन करते हैं और इसका सॉफ्टवेयर और ऐप्स वगैरह हम देख लेते हैं। तो ये ऑन हो गया फ़ोन, अभी इसका टच देखते हैं। टच बहुत ही स्मूथ और मतलब बहुत ही अच्छा है टच इसका। और इसका जो स्क्रीन साइज़ है फ्रेंड्स, ये है 6.43 इंच फुल HD डिस्प्ले, एमोलेड डिस्प्ले है ये। और ऊपर की तरफ ये कॉर्नर पे इसका फ्रंट कैमरा, जो कि है 32 MP फ्रंट कैमरा है ये। और फ्रेंड्स इसका जो ग्लास है, ये गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन है, ये गोरिल्ला ग्लास है और फुल HD एमोलेड तो है ही इसमें, प्लस गोरिल्ला 5 प्रोटेक्शन भी है। तो चलिए अभी इसका ऐप्स जो सेटिंग्स वगैरह में देख लेते हैं। फ्रेंड्स इसका रेजोल्यूशन है 1080x2400 है, और इसका जो कनेक्टिविटी की बात करें तो इसमें है ब्लूटूथ 5.2 और वाईफाई 6, और इसका प्राइमरी क्लॉक स्पीड है 2.4 GHz और सेकेंडरी क्लॉक स्पीड है 2 GHz। और फ्रेंड्स इसमें ब्राउज़र, ओप्पो ब्राउज़र भी मिलेगा आप लोगों को, जिसके कारण आप लोगों का नेट वगैरह बहुत ही अच्छा स्मूथ चलेगा। तो एक बार चलिए इसका सेटिंग्स के अंदर दिखाते हैं आपको। तो इसमें देखिए, इसमें बैटरी वगैरह का हेल्थ आप लोग चेक कर सकते हैं, इसमें पावर सेवर वगैरह इसमें देख सकते हैं। और अबाउट फोन में देखते हैं तो ये है अपना कलर्स, कलर्स ये 11.3 है और एंड्रॉयड 11 वर्जन है, ये रैम वगैरह इसमें लिखा हुआ है। और फ्रेंड्स इसमें प्रोसेसर है मीडिया टेक Dimensity 900, जो आप लोगों को फर्स्ट टाइम इस मोबाइल पर मिल रहा है। और इसका जो प्रोसेसर कोर है, वो ऑक्टा कोर प्रोसेसर है। फ्रेंड्स आप लोगों को ये डे टू डे लाइफ में यूज़ करने में बहुत ही इजी होगा, और मतलब बहुत ही स्मूथ टाइप चलेगा मोबाइल। और फ्रेंड्स इसका सेंसर की बात करें तो इसमें आपको सभी तरह के सेंसर मिल जाएगा, जैसे आप डिस्प्ले में आपका फिंगरप्रिंट होगा, यहाँ पे डिस्प्ले फिंगरप्रिंट मिलेगा, और प्रॉक्सिमिटी सेंसर, बाकी सभी सेंसर मिल जाएगा इसमें। तो फ्रेंड्स मेरे हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, इसके जो फर्स्ट वाला था प्रो उसके हिसाब से ये बहुत ही अच्छा है, क्योंकि इसका प्राइस के हिसाब से इसमें लगभग सभी फीचर्स हैं। तो मेरे हिसाब से चारों तरफ से देखा जाए तो बहुत ही अच्छा मोबाइल है ये। तो फ्रेंड्स आप लोग भी देख लीजिए, अगर आप लोगों को भी अच्छा लगेगा तो आप लोग ले सकते हैं, या अभी कुछ ही दिन पहले मार्केट में आए तो बहुत ही अच्छा अच्छा फीचर्स भी इसमें। तो फ्रेंड्स आज का वीडियो इतना ही था, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। थैंक यू।